आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि दोनों हाथों का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, क्योंकि यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि एक बिगिनर को आती है, इसको भी आई। कैसे कैसे और क्या क्या हमने किया जिससे कि जिसके दोनों हाथों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया और अब ये एटलीस्ट कोई भी पैटर्न बजा लेता है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा थोड़ा, ऑफकोर्स परफेक्शन तो अभी आने में बड़ा टाइम है, पर कॉम्बिनेशन बन गया, एक टेम्पो में बज रहा है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है एक बिगिनर के लिए। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर वन कि दोनों हाथों का कॉम्बिनेशन बनता है जब हमारे हाथ और माइंड का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, वो कैसे बनेगा, जब हम बोल बोल कर करेंगे, क्यों, बोलने से हम याद कर रहे हैं और माइंड हाथों को बता रहा है कि ये जो बोल है ये इस तरीके से बजेगा। ठीक है, ये चीज नीचे से बजेगी, ये चीज ऊपर से बजेगी, बेस में ये चीज यहां होगी वहां होगी। पॉइंट नंबर टू, चीजें स्लो कर दो। जब स्लो कर दोगे तो ऑटोमेटिकली एक एक चीज पे फोकस कर पाओगे, और जब एक एक चीज पे फोकस कर पाओगे तो चीजें ऑटोमेटिकली सही बज पाएंगी। अब अगर मैं इसको बोलूं कि यही चीज यहां पे बजाए, धिंता, या फिर नहीं बजेगा। अभी ट्राई करके देखो जरा तेज, जबकि इसने काफी प्रैक्टिस कर ली है डेढ़ दिना की, फिर भी देख लेते हैं। देखो टेम्पो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया, क्योंकि अभी उसमें वो इतनी वो नहीं है, कमांड नहीं है, ना तो बज ही नहीं रहा लास्ट। ठीक है, तो ये बात होती है, देखो अभी गड़बड़ होनी स्टार्ट होगी। अभी इसने धीरे देना सुनाया था, काफी अच्छा था इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, पर अब जैसे टेम्पो बढ़ाया तो गड़बड़ स्टार्ट होगी, ना नहीं आ रहा इसका, एक बार चाहे और कर लो, बेस में भी दिक्कत आ रही है, पर यहां देखो ये देखो ना अंदर बज रहा है, ना खुद नोटिस किया ये चीज, ये सेकंड ना में दिक्कत आ रही है। तो जब टेम्पो बढ़ गया तो हमारे पास क्या है, टाइम कम है, सोचने का टाइम कम है, तो हर कुछ कुछ भी बच जाता है। और देखो ये जो इसने बजाया ना, ये कोई और सुनेगा तो हो सकता लगेगा कि नहीं वही बोल बज रहे हैं, पर जैसे मैं इसको सिखा रहा हूं तो मुझे पता है कि क्या चीज क्या गड़बड़ हो रही है, क्या नहीं हो रही, जो कि इसको भी पता चल रही है, क्योंकि स्टार्टिंग से इसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही है। कहने का मतलब, स्लो बजाओ बिल्कुल, तब आपकी सारी चीजें साथ सेट बैठेंगी, बिल्कुल हाथों का कॉम्बिनेशन बनेगा, माइंड। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया, बिल्कुल स्लो। सेकंड पॉइंट क्या है कि हम कोई भी पैटर्न तैयार करते हैं ना, तो पहले एक हाथ पे काम करते हैं, एक हाथ को थोड़ा यूज टू करते हैं, फिर दूसरे हाथ को यूज टू करते हैं, फिर दोनों को साथ में बजाते हैं। ये है टेक्निक। ठीक है, कैसे, वही एग्जांपल लेते हैं धिंता तिंता का, जो सबसे पहले किया था, कौन सा धिंता, ये धिन ता तिन ता, याद है ना। ठीक है, तो एक हाथ पे पहले धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता, कैमरे की तरफ दिखाकर थोड़ा, हाँ ये धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता धिन ता तिन ता, कंटिन्यू रखना इसी को, चलते रहो, धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता, ये हो गया। फिर मैंने इनको बताया था कि बेस बेस कहाँ कहाँ लगेगा, पहले नोट डाउन करके कॉपी पे बता दिया कि अच्छा धिन यहाँ यहाँ बेस होता है, फर्स्ट बीट और सेवंथ बीट पे बेस है, तो सिर्फ अकेला बेस, तो क्लैप करूंगा बेस पे, आपने बजाना है। ठीक है, धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता, और मैं क्या कर रहा था, सब ढोलक बजा रहा था और वो अकेला बेस, वो एक चीज बजाएंगे, तो धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता, ये हो गया। तो इस हाथ को भी पता चल गया कि इसका काम कब कब है, और इस हाथ को भी पता चल गया इसका काम कब कब है और कैसे है। फिर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, और ये जो भी सब कुछ हो रहा है ये बिल्कुल स्लो स्पीड में हो रहा है। ठीक, तो अब मैं इनको बोलता हूं कि दोनों हाथ बजाओ मेरे साथ, धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता,
इसके बाद अभी स्लो में ही सारा काम हुआ, अभी हम तेज नहीं जाएंगे। अब क्या करेंगे कि जो इसकी बारीकियां हैं पैटर्न की उस पर ध्यान देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो धिन तिन जो अंदर वाले नीचे वाले बोल हैं अंदर वाले, ये सॉफ्ट और ता लाउड, तो सिर्फ एक हाथ पे काम, सॉफ्ट करने की कोशिश, धिन नीचे से शुरू, धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता। तो इसको अब हम सिर्फ इसी हाथ पे ध्यान दे रहे हैं और इसको सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो बारीकियों पे ध्यान देना है। सेम ऐसे ही बेस साइड में फिर पहला दिन नॉर्मल और आखिरी दिन स्लाइड। ठीक, तो धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता धिन ता। तो टेम्पो उतने का उतना ही है, स्पीड उतने की उतनी है। फिर पहले दोनों हाथों को, पहले एक एक हाथ पे काम किया, फिर दोनों हाथों को साथ में बजाकर उनका कॉम्बिनेशन बनाया, फिर जो इसकी बारीकियां हैं पैटर्न की, फिर सिंगल सिंगल हाथ पे ध्यान दिया, फिर उन बारीकियों को फॉलो करते हुए दोनों हाथ बजाए। ये है टेक्निक दोनों हाथों का कॉम्बिनेशन बनाने की। अभी भी टेम्पो बिल्कुल स्लो ही है, ये जितना भी सारा काम किया हमने इसमें भी टेम्पो भी स्लो ही है। जब आप ये बारीकियां फॉलो करते हुए दोनों हाथ साथ में बजा पा रहे हैं, देन इट्स टाइम टू एक स्टेप आगे जाने का, वो है डबल स्पीड में बजाना इसको। अब डबल स्पीड ये नहीं है कि हमने अभी यहां बजा रहे हैं इसके बाद यहां चले गए डायरेक्ट, नो, डबल स्पीड हुई, धिन ता सिंगल है ये, ता तिन ता डबल, धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता तिन ता तिन, चलो, धिन ता तिन ये बात है। ठीक, तो आपने ये सब पहले बारीकियां दोनों हाथों का कॉम्बिनेशन बनाना है, फिर हल्की सी स्पीड बढ़ानी है, फिर और हल्की सी बढ़ानी है कुछ टाइम बाद। ये होता है एक तरीका दोनों हाथों का कॉम्बिनेशन बनाने का। इसके अलावा जो मैंने आपको दो तीन चीजें बोली है, स्लो और बोल बोल कर बजाना है, बोल बोल कर बजाना है, वो तब की उसकी कंडीशन है कि आपने सही टेम्पो में बोलना है। अगर सही टेम्पो में नहीं बोल रहे तो उसका फायदा ही कुछ नहीं है। इसीलिए बोलते हैं सीखना जरूरी है। अगर कोई आपको सिखा रहा है तो वो आपके लिए सही टेम्पो में बोलेगा भी, आपकी कहीं गड़बड़ होगी तो वो आपको बताएगा भी। जैसे इनकी कुछ मिस्टेक होती है तो मैं बताता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इनको खुद पता चल जाता है कि यहाँ मिस्टेक हुई है। तो अगर आपको अपनी मिस्टेक का ही नहीं पता चलेगा, आप उसको रिपीट करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे और उसी को हाथ पे बिठा लोगे, जैसे थोड़ी देर पहले इन्होंने भी एक काम किया था ऐसा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, स्लो करो काम, बोल बोल कर करो, किसी की गाइडेंस के अंदर करो ट्रेनिंग। नई गाइडेंस के अंदर करोगे तो उल्टा सीधा ही काम होगा। मैंने बहुत सारे अपने आसपास लोग देखे हैं जो कि बजाते हैं, अच्छा बजाते हैं, बट टेक्निकली उनका सब कुछ उल्टा सीधा ही होता है। आवाज़ सुनने में, सब कुछ सुनने में लगता है कि यार ये तो बढ़िया बज रहा है, सब परफेक्ट है, बट नहीं, टेक्निकली देखा जाए तो उसमें फ्लॉ होता है, उल्टा सीधा बजता ही बजता है, ये बात होती है। तो किसी की गाइडेंस के अंडर करो। तो ये दो तीन चीज़ें थी, मेन एम्फेसिस इस वीडियो में मेरा था कि स्लो स्लो और एक एक जगह पर काम करना है आपको, पहले इस साइड फिर इस साइड, और उसके बाद स्लो स्पीड में ही आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी और हर चीज़ बैठेगी। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटा सा एक मैसेज था और बताया मैंने आपको कि ये कैसे मैं इनको तैयार करवा रहा हूँ और कैसे ये रिजल्ट भी आ रहा है आप लोगों के सामने, देख ही रहे हो आप वीडियोस कि रिजल्ट आ रहा है, वो चीज़ें बजनी स्टार्ट हो रही है, रिजल्ट इसी वजह से आ रहा है। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।